बच्चों, हम लोग फंक्शन का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। फंक्शन का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। बहुत ही यूजफुल आर्टिकल है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत ही यूजफुल आर्टिकल है ये, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी नंबर आप अगर लोगे 4.3, तो आप इसको 4 + 0.3 लिख सकते हो। ठीक है, तो 4.3 को हमने लिखा 4 + 0.3। 4 इस नंबर का, 4.3 का 4 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। एंड 0.3 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का सिंबल ये होता है सर, ये इंटीग्रल पार्ट का सिंबल है और ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, राइट? तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4.3 क्या है, तो आप कहोगे 4 है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3 क्या है, तो आप कहोगे 0.3 है। ठीक है ना, तो हर नंबर का इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही मिलेगा आपको। जैसे अगर आपने कोई नंबर इंटीजर ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हो 5 + 0, तो 5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 5 होगा। एंड 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों? तो वो 0 होगी, है ना। फिर कोई नंबर लिया हमने, लाइक 4.8, -4.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो -4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? ये -5 होगा, है ना। नंबर लाइन पे देखो, अब आप इस चीज को समझो कि नंबर लाइन पे ये सपोज आई है और ये i+1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख दो इसको, और इसको लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1। आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर चूज करोगे एक्स, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आई होगा, है ना। यहाँ पर मान लो कोई नंबर आपने एक्स लिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होगा। यहाँ पर कोई नंबर लिया, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होगा, है ना। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो जो भी नंबर आप ले रहे हो, उसका इंटीग्रल पार्ट उसके इमीडिएट पहले वाला इंटीजर है। अगर वो नंबर इंटीजर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो वो खुद ही नंबर होगा, और अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट उसके इमीडिएट पहले वाला इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि नंबर लाइन पे हमने ले लिया -4.8, और ये है -4 और ये है -5। ठीक है बच्चों, तो -4.8, -5 एंड -4 के बीच में है, तो -4.8 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? तो इसके इमीडिएट पहले वाला इंटीजर, और वो क्या है? -5। तो इसकी इंटीग्रल पार्ट हो गई -5। ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर आपने बोला इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये वैल्यू तो इसकी छोटी हो जा रही है। जैसे आपने 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बोल दिया, मुझे तो लग रहा है कि इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। जब आपसे बोला गया कि 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका मतलब है कि 4.3 से छोटी इनफिनाइट इंटीजर्स है ना। 4.3 से छोटी इनफिनाइट इंटीजर्स है, उसमें से सबसे बड़ी इंटीजर क्या है? तो वो 4 है। इस चीज को समझो, जैसे मैं इस एग्जांपल लिख रहा हूँ, 4.3 से छोटी इंटीजर्स बोलो, तो वो 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0, -1, अप टू -इनफिनिटी। देर आर इनफिनाइट इंटीजर्स। इन सारे इंटीजर की लिस्ट में सबसे बड़ी इंटीजर क्या है? तो वो 4 है। तो वो इसीलिए 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पर। √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो ऑब्वियस है बच्चों, 1 होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे ये √2 ले लो अगर आप, तो यहाँ आपका 2 होता है, यहाँ आपका 1 होता है। इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? 1 है। तो √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अगर -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो क्या होगी? तो नंबर लाइन पे ये -√2 लोगे अगर, तो -2 यहाँ होगी और ये -1 होगी, तो -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, है ना। चलो बताओ पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3.14।
तो पाई की ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगी, क्योंकि पाई जो है नंबर लाइन पे 3 एंड 4 के बीच में कहीं है, इसलिए पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगी। सिमिलरली ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, ई आपने पढ़ा होगा लॉग में, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगी। ओके चलिए अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों आपने देखा कि आप किसी भी नंबर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना, किसी भी नंबर को आप उसके इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो सपोज आपसे पूछा गया कि भाई बताओ माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे बच्चों, जरा सोचो। तो कुछ बच्चे तो कह देते हैं कि माइनस 0.2 होगी, बट ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। माइनस 1.3 की फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगी, कुछ बच्चे कह देते हैं माइनस 0.3, ये भी बिल्कुल गलत है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होती है, जब आप नंबर इंटीजर लोगे, अगर कोई इंटीजर लोगे तो उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी इंटीग्रल नंबर का, माइनस 4 लिया था, किसी भी इंटीग्रल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगी, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला, ये फॉर्मूला क्या बताया आपको कि माइनस 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.2, तो माइनस 1.2 माइनस माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी बच्चों, तो वो होगी माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगी प्लस 2, तो बेसिकली इट इज 0.8। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, माइनस 1.2 को आप लिख सकते हो माइनस 2 प्लस 0.8। तो बच्चों इस नंबर माइनस 1.2 इस नंबर को आप इस तरह से एक्सप्रेस करो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल के सम में कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में हो, तब आप आराम से आंसर दे सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर। ओके चलिए, जैसे आपसे पूछा गया माइनस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप माइनस 1.3 को बच्चों कैसे लिखोगे, माइनस 2 प्लस 0.7, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगी इसकी, 0.7। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट टू की फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगी, तो रूट टू की फ्रैक्शनल पार्ट कुछ बच्चे कह देंगे 0.414 होगी, बट ये एक्चुअली में लिखने का सही तरीका नहीं है। आप इसको ऐसे लिखो कि आप रूट टू के फ्रैक्शनल पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट टू, और ये हो जाएगा रूट टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू माइनस 1, ये हो गया आपका रूट टू का फ्रैक्शनल पार्ट। ये लिखना सही इसलिए नहीं है, है ना, ये लिखना सही इसलिए नहीं है क्योंकि रूट टू इरेशनल नंबर है, आपने सिर्फ इसका वैल्यू लिख दिया 0.414, बट वैल्यू तो ये इनफिनाइट डेसिमल तक, इनफिनाइट पॉइंट तक जाएगा ना, ये कुछ ना कुछ और वैल्यूज होती रहेगी, इसलिए बेहतर है कि आप आंसर ऐसे लिखे, है ना, नंबर माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, तो रूट टू का इंटीग्रल पार्ट 1 हो गई, तो रूट टू माइनस 1 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट टू। ओके बच्चों चलो बताओ कि 4.9897 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, तो ऑब्वियस है 4 ही होगी, 4.9 पे रिकरिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चों तो इसका आंसर 4 ही लिखते हैं, बट ये गलत है, है ना, 4.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बॉक्स वैल्यू 4 नहीं होगी। आप समझो, आपने पढ़ा होगा कि 4.9 रिकरिंग को आप नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हो, पी वाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो आप इसको लिखोगे, सबसे पहले आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना, तब जवाब दो आप, ये हो जाएगा 49 माइनस 4 अपॉन 9, ये हो गया 45/9 विच कम्स आउट टू बी 5। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो नंबर है 4.9 रिकरिंग, ये 5 में कन्वर्ट हो गई,
तो 5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 5 ही होगी ना, ओके तो इस तरह से रेकरिंग में हो तो पहले आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो, फिर आप आंसर करो। इसका लॉजिक क्या है समझो, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि भाई बताओ 2.5 पे रेकरिंग इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, तो आप यहाँ पे आंसर 2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वैसे भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 25 - 2/9 होगा, विच इज बेसिकली 23/9। 23/9 अगेन इट इज 2.5555, ओके एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको देखकर ये पता चल रहा है कि कोई नंबर रही होगी p अपॉन q, जहां p में q से डिवाइड करने पर ये हमने पाया होगा, ठीक है ना। 2.5 रेकरिंग ये नंबर आया होगा 23/9 से, है ना, 23 में 9 से डिवाइड करने पर ये आया होगा। लेकिन बच्चों 4.9 पे रेकरिंग ये कोई ऐसा नंबर नहीं है p एंड q, जहां p में q से डिवाइड करने पर ये जनरेट हो सके। देयर इज नो सच रैशनल नंबर p एंड q वेयर इट कम्स आउट टू बी 4.9 पे रेकरिंग, ऐसा कोई नंबर नहीं है p by q, मतलब q ऑब्वियस है, q इज नॉट 1, ओके। तो और दूसरा लॉजिक, अच्छा दूसरा एक और लॉजिक है जो मैं आपको लिमिट्स के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ग्रेटर इसका 4.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 होती है, ठीक है ना, ये मैं लिमिट्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। वैसे नंबर थ्योरी के हिसाब से भी समझो कि ये 4.9 रेकरिंग है और ये मान लो 5, दो डिफरेंट प्लेस पे लेते हो अगर आप, तो आप मतलब नंबर थ्योरी में ऐसा होता है ना कि आप दो नंबर के बीच में, अगर नंबर लाइन पे दो नंबर रखा हुआ है तो आप उन दो नंबर के बीच में हमेशा एक नंबर एज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इन दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि बेसिकली ये दोनों इक्वल है, 4.9 पे रेकरिंग और 5 दोनों इक्वल है। एक्चुअली नंबर लाइन बहुत ही डेंस होती है ना, एक नंबर के इमीडिएट नेबरहुड में रैशनल इरेशनल सब कुछ है, इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल्स है, तो आप इन दो नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, आइडेंटिकल है, सेम वैल्यू है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर 5.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो इसकी बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है, सॉरी 5, 6 क्यों होगी। अच्छा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.9 पे रेकरिंग है तो क्या कहेंगे बच्चों, तो ऑब्वियस है 0 होगी, क्योंकि आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 59 - 5, 54/9, नहीं ये वैल्यू 6 होगी आई गेस, ये वैल्यू 6 होगी, 59 - 6 होगी, ये वैल्यू 6 होगी और ये फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगी। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो हमने एक्सप्लेन करी अब तक, नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फिगर आउट करते हैं। चलो तो ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की ग्राफ देखते हैं। सिंपल है बच्चों, आप इसको ऐसे लिख दो, एक्स माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर अगर मैं x की वैल्यू, है ना, इसको ऐसा करो, पहले बेसिक अप्रोच देख लो, अगर x की वैल्यू सर 0 से 1 होगी, अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 0, अगर x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 1, इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, माइंड इट। अगर x की वैल्यू -1 से 0 होगी तो इसकी बॉक्स वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 से 3 है तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब आप इसको प्लॉट कर दो प्लेन में। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर कि हमने दो इंटीजर के बीच में ही क्यों लिया। बच्चों आपको बहुत सिंपल सी बात आप समझ जाओगे, आप 0 पर, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 होगी। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगी, बट जैसे ही आप 1 पे जाते हो, जैसे ही आप 1 पे जाते हो तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल जाती है, 1 के जस्ट पहले तक कोई भी नंबर लोगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगी, बट 1 पर जाते ही या 1 के जस्ट आगे जैसे जाओगे, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे अगर आप,
अब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, वन होगी। इसलिए हमने ब्रेक एक यूनिट लेंथ पर की है। देखो जीरो से वन के बीच का जो लेंथ है वो कितने का है, तो वन लेंथ है ना, और दो इंटीजर के बीच में ही करा है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में करा है। इसलिए केस लिया कि x 0 से 1 है तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 0। x 1 से 2 है तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 1। x अगर 2 से 3 है तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 2। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस ग्राफ को। ये ले लिया हमने 1, ये है 2, ये 3, ये -1, ये -2। काफी है इतना। तो बच्चों आपने देखा कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो y इक्वल्स टू 0 है अपना ग्राफ, मतलब ये रियल एक्सिस ही हो गया। वन इंक्लूडेड नहीं है, माइंड इट। जब मैं एक्स की वैल्यू वन से टू ले रहा हूं तो हमारा क्या है, हमारा फंक्शन वैल्यू क्या आया, वाई इक्वल टू वन, ये हो गया वाई इक्वल टू वन। जब मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूं टू से थ्री तो हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, वाई इक्वल टू टू, ये हो गया वाई इक्वल टू टू। सिमिलरली आगे लूंगा अगर थ्री से फोर तो क्या हो जाएगा, थ्री, वाई इक्वल टू थ्री। ओके, माइनस वन से जीरो के बीच में बच्चों क्या होगी वैल्यू, तो माइनस वन होगी। माइनस टू से माइनस वन के बीच का कोई भी नंबर लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, तो माइनस वन होगी। ये हो गई माइनस वन, ये वाई इक्वल्स टू माइनस टू, ये वाई इक्वल्स टू माइनस वन, एंड सो ऑन। ग्राफ ऐसा ही चलता रहेगा। बच्चों आप देखो ये, इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि ये स्टेयर्स की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के दूसरा अप्रोच भी है, बट चलो फिलहाल अभी ये बेसिक अप्रोच सीखो, बाकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको पढ़ाऊंगा। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ पे। वाई इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ लेते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और फिर ब्रेक करोगे केस वाइज। अगर एक्स मैंने जीरो से वन लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस जीरो। अगर मैंने x की वैल्यू 1 से 2 ली तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस वन। अगर x की वैल्यू ली मैंने माइनस वन से 0 तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस वन। अगर x की वैल्यू ली मैंने 2 से 3 तो ये हो जाएगी x माइनस टू, है ना। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बट x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ऑब्वियस है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे। तो y इक्वल टू x की ग्राफ कब लेनी है, आपने y इक्वल टू x की ग्राफ लेनी है 0 से 1 के बीच में, है ना। ये हो गया y इक्वल टू x, तो हमने ले लिया तब जब x की वैल्यू 0 से 1 है। और फिर 1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 की ग्राफ तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन है। ये हो गई 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू x माइनस वन। टू से थ्री के बीच में ग्राफ लोगे तो बच्चों कैसी होगी, ये होगी। अच्छा आप ध्यान रखो कि वन पर ग्राफ जीरो है, वन पर ग्राफ फंक्शन की वैल्यू जीरो है, थ्री पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, टू पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होती है, जीरो होती है, ध्यान रखना ये चीज। तो थ्री पर ग्राफ यहाँ ये देख रहे हो ओपन सर्कल है बिल्कुल, है ना, इसका मतलब रेंज में कभी भी वन इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली माइनस वन से जीरो के बीच में ये ग्राफ हो जाएगी, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस वन, ये माइनस वन क्लोज है एंड जीरो ओपन है। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया ग्राफ से भी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपने ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जीरो से वन ही होती है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और वन तो बिल्कुल नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होती है, जब आप x इंटीजर लोगे, जब आप x इंटीजर लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगी, क्योंकि इंटीग्रल नंबर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये था ग्राफ, ये हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, जो आगे बहुत काम देने वाला है आपको क्वेश्चंस को करने में। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एक्स, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में।
अच्छा एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में आपको पेपर में दिया रहेगा कि भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है और ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। ओके, जब तक ना दिया रहे तब तक आप इसको नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करें। अगर लिखा हुआ है कि ये फ्रैक्शन पार्ट को डिनोट कर रहा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तभी आप उसको माने, है ना। अब देखो इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। ये आईआईटी 94 का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ रखा है ये, एडवांस में पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मेंस में तो रिपीट हो ही सकता है। चलिए, फोर टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम इस एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसको लिखेंगे फोर टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और फिर आपके पास एलएचएस में हो जाएगा थ्री टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन वन बोल दो। बच्चों ध्यान से देखो हमारा क्या अप्रोच था, हमने क्या किया, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक अलग इक्वेशन बना दी, है ना, जिसमें एलएचएस में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि बच्चों चूंकि ये बॉन्डेड फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होती है बॉन्डेड होती है, 0 से 1 होती है ना, ये बॉन्डेड होती है, इसकी रेंज 0 से 1 ही होती है। तो अब मैं यही चीज आरएचएस पे लगाऊंगा कि सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए आरएचएस की वैल्यू यानी कि 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन का, राइट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। तो बालको आप बताओ कि अपने को चाहिए इंटीजर्स जो 0 से 1.5 के बीच में हो, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, इंटीजर्स जो 0 हो या 0 से 1.5 के बीच में, तो ऑब्वियस वैल्यू होगी 0 एंड 1। तो बस आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 रखने पर 0 आएगी और 1 रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आएगा, 2/3 आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप अच्छी तरह जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होती है, एक्स होती है। तो एक्स इक्वल टू 0 + 0 0 हो गई एंड 1 + 2/3 5/3 हो गई। सो ये हमारा फाइनल आंसर है इस इक्वेशन का। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation greatest integer of x upon 7 equals to greatest integer of x upon 9. Number of non-negative integral solution of this equation क्या होगी। तो बच्चों बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, देखिए क्या अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। आप देख सकते हो कि LHS भी इंटीजर है और RHS भी इंटीजर है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है, है ना, इसका मतलब 0 या फिर 0 से बड़ी कोई भी नंबर है। चलिए देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन होने के लिए या तो LHS RHS दोनों 0 हो जाए, है ना, LHS भी 0 हो RHS भी 0, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, है ना, इंटीजर ही कोई होगी। तो LHS भी 0 हो RHS भी 0 हो, या फिर LHS भी 1 हो RHS भी 1 हो, LHS भी 2 हो RHS भी 2 हो, LHS 3 हो RHS भी 3 हो, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सोचना है कि आप x क्या लोगे कि LHS का जो बॉक्स है वो 0 होगी। तो सर
सिंपल सी बात है, अगर मैं x को 0 से 7 के बीच में कुछ भी लूंगा LHS में, LHS में मैं x की वैल्यू 0 से 7 के बीच में कुछ भी लूंगा तो LHS की बॉक्स वैल्यू 0 होगी, और RHS वाले में x की वैल्यू मैं 0 से 9 तक कुछ भी लूंगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगी। तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, कॉमन पार्ट लो। क्यों कॉमन क्यों लेना है? क्योंकि अपने को ऐसा x चाहिए जिस पर दोनों साइमल्टेनियस LHS RHS दोनों साइमल्टेनियस 0 जनरेट करता हो। तो बच्चों इंटरसेक्शन करने पर आ जाएगा आपका x की वैल्यू, इंटरसेक्शन करने पर आ जाएगा x की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक। तो दस इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि 0 से 7 के बीच में कोई भी x लोगे आप तो LHS RHS दोनों 0 एक साथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कितनी सॉल्यूशन हुई 0 से 7 तक? तो 0 से 7 तक 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर दोनों वैल्यू LHS RHS दोनों 1 हो। तो सर LHS की वैल्यू 1 होने के लिए x को 7 से 14 के बीच में होना है एंड RHS को 9 से 18 के बीच में होना है, है ना? फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्योंकि अपने को चाहिए कि LHS RHS दोनों साइमल्टेनियस 1 जनरेट करे। तो कॉमन लेने पर क्या आएगा बच्चों? कॉमन लेने पर आएगा x की वैल्यू 9 से लेकर आएगी 14 तक, है ना? 7 और 9 में ग्रेटेस्ट कौन है? 9, और 14 18 में लिस्ट कौन है? 14। इसलिए मैंने लिया 9 से 14 तक, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 9 से 14 तक जाओगे तो आपका LHS भी 1 देगा वैल्यू और RHS भी 1 देगा, है ना? दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इस बीच में कितनी इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गई? 5 हो गई। चलो अब देखते हैं कि आप, अच्छा आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लेंथ कम होती जा रही है। 0 से 7 के बीच की लेंथ पहले ज्यादा थी, 7 14 के बीच की लेंथ, सॉरी 0 से 7 के बीच की लेंथ, यहाँ पे देखो 0 से 7 के बीच की लेंथ 7 थी, है ना? 9 से 14 के बीच की लेंथ कम हो रही है। इसका मतलब धीरे धीरे सॉल्यूशन कम होता जाएगा, है ना? अब देखो ये वाला केस में LHS 2 होने का मतलब है कि x की वैल्यू 14 से 21 होना, और इसमें x की वैल्यू 18 से 27 होना। फिर जब कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 से लेकर 21 तक। तो बच्चों x की वैल्यू 18 से 21 तक कुछ भी लोगे तो LHS भी 2 होगी, RHS भी 2 होगी। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो गया? तो हो गई 18, 19, 20, तो ओनली 3 सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो, आप यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। देखो इस तरफ 9 का LHS में, यहाँ जो देख रहे हो LHS में 9 का मल्टीपल चल रहा है, और यहाँ पे राइट बाउंड्री पे 7 का मल्टीपल चल रहा है। ये देखो 0, 9, 18, 7, 14, 21, है ना? और धीरे धीरे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। अब देखते हैं कि LHS RHS दोनों 3 कब देगा। तो LHS 3 देने के लिए सर LHS में x की वैल्यू 21 से लेकर 28 होनी चाहिए, और इसमें 27 से लेकर x की वैल्यू 36 होनी चाहिए। तो सर कॉमन क्या आया? 21 से 28 और ये 27 से 36, तो कॉमन आया सर 27 से लेकर x की वैल्यू 28। आप देखो 9 का ही मल्टीपल चल रहा है, 9, 18, 27, 7, 14, 21, 28, RHS में ये 7, इस तरफ आपका 7 का मल्टीपल चल रहा है। तो इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो गई? 1। अब आपको आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आगे आप लोगे तो कॉमन 5 आ जाएगा, है ना? LHS RHS दोनों 4 कब होएगा सर? तो जब ये 28 से लेकर कहाँ तक जाएगी वैल्यू सर? 35 तक, और ये 36 से लेकर बच्चों कहाँ तक? 45 तक। तब कुछ कॉमन ही नहीं आएगा ना, कॉमन तो इंटरसेक्शन तो 5 आ गया। अब इसका मतलब इसके आगे आपके पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियस इंटीग्रल सॉल्यूशन कितनी हो गई? तो 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16, 16, ये अपना आंसर है। टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गई 16 बच्चों। होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, इस पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल एग्जाम में आ रखा है, ओलंपियाड के एग्जाम में। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 19 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 21। सिर्फ डेटा चेंज हुआ है देखो, और आपको इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको इसी प्रीवियस अप्रोच से ही कर सकते हो। आप देख सकते हो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 9 का मल्टीपल और इस तरफ 7 का मल्टीपल है। तो बस जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका यहाँ पे मल्टीपल चलेगा यहाँ पे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका इस तरफ राइट बाउंड्री पे मल्टीपल चलेगा, है ना? फिर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो।
चलिए, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था, आरएमओ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। सो क्वेश्चन नंबर है 3, एक्स है लेस देन इक्वल्स टू 2019, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन। है ना, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉरी फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। और इक्वेशन दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। तो सोचो बच्चों कैसे करोगे आप इसे। बच्चों यहां से एक बात तो साफ साफ दिख रहा है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हो 5 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, सो 5 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स भी 0 से 1 होगी। तो इस इनइक्वालिटी से आपको क्या पता चला, इस इनइक्वालिटी से सिर्फ इतना पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, और ये सेकंड वाला जो सॉरी फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स, इससे ये पता चला कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर है, है ना। यहां से आपको इतना पता चला कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकती है ना। ओके तो बच्चों इस पर ऑब्जर्व करो कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो आप क्या क्या ले सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी, क्या क्या ले सकते हो, तो 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 2018 ले सकते हो, 2019 ले सकते हो, है ना। तो बच्चों इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6 प्लस 5 अपॉन 6, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी 7 प्लस 5 अपॉन 7, सिमिलरली 2018 के लिए होगी 2018 प्लस 5 अपॉन 2018, और 2019 के लिए होगी 2019 प्लस 5 अपॉन 2019। बच्चों ध्यान दो कि ये वैल्यू तो कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स की वैल्यू आप मैक्सिमम 2019 ले सकते हो, बट ये वैल्यू 2019 से बड़ी हो गई, तो 2009 तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस बीच में आपको हर बार एक सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ले रहे हो तो ये आपका एक्स की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ले रहे हो तो फिर एक्स की वैल्यू ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू है 8 प्लस 5 अपॉन 8, है ना। क्योंकि एक्स क्या होती है बच्चों, एक्स होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स की वैल्यू बॉक्स ऑफ एक्स अगर 6 लोगे तो एक्स की वैल्यू है, ऑब्वियस है कि बॉक्स एक्स 6 है तो ये 6 हो गई। फ्रैक्शनल पार्ट यहां से क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 5 अपॉन 6 7, अगर मैं इसको 7 लूं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगी, 5 अपॉन 7। तो इस तरह से आप देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी है। तो बच्चों इंटीग्रल सॉल्यूशन देखनी है अपने को, 6 से लेकर 2018 तक जितनी भी इंटीजर है हर एक के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी बच्चों, 2013, ये अपना आंसर हो गया। बालकों ये क्वेश्चन केवीपीवाई में 2013 में आ रखा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट है, किया जा सकता है एग्जाम में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 5x अपॉन 6, फाइंड एक्स, अपने को एक्स फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जरा सोचो क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप LHS में देखो, LHS इज एन इंटीजर, LHS इज एन इंटीजर,
LHS एक इंटीजर है ना, और RHS के बारे में कुछ नहीं पता, तो सॉल्यूशन होने के लिए RHS को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा, है ना। फॉर सॉल्यूशन, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन RHS शुड बी एन इंटीजर, ठीक है बच्चों, तो RHS भी इंटीजर होनी चाहिए, RHS मस्ट बी एन इंटीजर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो पाए इसके लिए RHS को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप एक तो ऐसे कह सकते हो कि सर ये इंटीजर होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 6 का मल्टीपल, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर x की वैल्यू 6 की मल्टीपल है ना, वेर k बिलोंग्स टू, वेर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और वैसे भी समझो, वैसे भी देखो कि बॉक्स ऑफ x बाई टू इंटीजर कब होगी, ये वाली इंटीजर कब होगी, बॉक्स ऑफ x बाई टू इंटीजर कब होगी, जब x 2 का मल्टीपल होगी, 2 टाइम्स ऑफ k1, x जब 2 का मल्टीपल होगी। बॉक्स ऑफ x बाई थ्री इंटीजर कब होगी, ये वाला एक्सप्रेशन इंटीजर कब होगा, जब x 3 की मल्टीपल होगी, ठीक है बच्चों। और इस 5x by 6 को आप ऐसे लिख दो, x by 2 plus x by 3, तो आप देखो जो बॉक्स के अंदर है वही एक्सप्रेशन बाहर आ गया, बॉक्स ऑफ x by 2 यहां भी x by 2, बॉक्स ऑफ x by 3 यहां भी x by 3, तो आप देखो कि x जो है 2 का भी मल्टीपल होगा और x 3 का भी मल्टीपल होगा, तो फाइनली x जो होगा, है ना, यहां से इतना क्लियर हो गया कि x जो है वो LCM of 3 and 2 है ना, मल्टीपल ऑफ LCM of 2 and 3, टू टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री, है ना, इसका ही कोई मल्टीपल होगी, इन टू सम के, वेर के बिलोंग्स टू इंटीजर अगेन, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा इस 6 के, सो दिस इज द आंसर। तो जो भी नंबर है 6 के फॉर्म की, जो भी नंबर है 6 के मल्टीपल की, वो हर एक नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों एक बार मैं बता दूं हमने क्या किया, LHS दिख रहा है साफ साफ कि इंटीजर है, तो RHS भी इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए x को 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वहां से हम आंसर बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 6 की मल्टीपल है, राइट। अदरवाइज एक और अप्रोच है कि 5x by 6 को आप बोल दो x by 2 plus x by 3, है ना। चलो थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूं कि 5x by 6 को मैंने बोला x by 2 plus x by 3, अब इन दोनों को इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 plus फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 3 equals to 0, ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शनल पार्ट का सम जीरो कब होगा, तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट का जीरो तब सम तब जीरो आएगा जब दोनों ही फ्रैक्शनल पार्ट जीरो वैल्यू दे रहा हो, तो x by 2 भी जीरो दे और x by 3 भी जीरो दे, इसका मतलब है कि x 2 का मल्टीपल हो, x 2 का मल्टीपल हो और यहां से x 3 का भी मल्टीपल हो, तो ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे उसके लिए x को 2 और 3 के एलसीएम का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी x इक्वल्स टू 6 के। ये ऊपर वाला भी सही सॉल्यूशन था और नीचे वाला हमने और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटस्मेर फंक्शन का लेक्चर 2 करेंगे और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फंक्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, लिमिट्स में, कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंसिबिलिटी में, एरिया में, बहुत बहुत ज्यादा यूज है ना, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।